अपने आप से। और मैंने बहुत सारी चीज़ें, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने अप्लाई की अपने ऊपर कि मैं कैसे निकलूँ। और आई थिंक बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि मैं बांद्रा भी एक दो बार गया जी। ये नहीं मतलब झूल रहे हैं बिकॉज़ ऑफ द एक्सपेक्टेशंस जी। तो बहुत कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं जैसे में अकेला चले गए कोई 8-10 दिन के लिए, गायब हो गया। और फिर बहुत ही नॉर्मल, जहाँ मुझे नहीं जानते तो ऐसी जगह मैं रियलिटी चेक करने के लिए अपने आप को कि मैं हाँ कि मैं नॉर्मल सा इंसान हूँ, तो ऐसा खुद को फील कराने के लिए। You know, I think it's so inspiring yet again to be a part of a film that is telling the story of such a incredible, inspiring human being. I think we all have this incredible strength in us, which is dormant, and I think something needs to trigger it, and you know, we witness that come out, and I think this is it. So I think it brings out a lot of emotion that you're going to see. The gentleman on the extreme right. Second film that we're doing with them. The association happened because of Mr. Ketan Mehta. We have a very, very long and a fruitful and a very loving association with Mr. Mehta. And when we heard the script, naturally we were very excited. And more so because we had Nawaz and Radhika. And to us, the messaging of the film was absolutely key, because the films that we make, there is a very strong cultural root to it. And I think this film was bang on to that mandate. लेवल एंड दिस मुकाम पर जो आप पहुंच चुके हैं। एक्चुअली मैं तो ज़्यादा कुछ सोच के नहीं आया था कि और आया था तो टीवी में ट्राई कर रहा था, तो अनफॉर्चुनेटली टीवी में भी मुझे मुश्किल हो गया था एक्चुअली। तो फिर सीग्रेट की फिल्में मैंने बहुत सारी मैं बताऊंगा नहीं नाम सीग्रेट की 2-3 फिल्में भी की मैंने, और उसमें भी वही स्टार्ट वही हो जैसे थिएटर से स्टार्ट होता है, एक एक सीन। तो 5-6 साल 8 साल हो गए एक एक सीन करते हुए, फिर 8 साल के बाद रियलाइज हुआ यार मैं एक एक ही सीन कर रहा हूँ, तो अब 2 तो मिले एटलीस्ट, तो 2 सीन फिर मिलना शुरू हुए। तो इस तरह थिएटर में भी वैसे ही होता और इसमें भी। तो ज़्यादा ड्रीम लेके मैं अगर आता तो शायद डिसअपॉइंटमेंट होता और बहुत जल्दी वापस जाना। वेरी ग्रेटफुल फॉर इट because I think the work that I've been doing for the past 2-3 years is finally seeing the light of the day. People have been asking, "Aap pichle 3 saal se kar kya rahe hain?" Exactly. Ye sab ye kar rahe hain. So I think it's all coming out, and coincidentally, it's all coming out at the same time. So great. All the producers are happy. Very good. Okay, we open out now to the questions over there. I don't know to make a film on Dashrath Manji's life, and we get to know that. He's supposed to have put his thumb impression 4 days before his death in an ICU. It was a completely a fraud case, and we had to fight it in Patna from a small district court to a high court, and we finally won the case, and that's how the film is now ready for release. So one more question from Nawaz sir. Yeah, we are. Motivation ek hi cheez hai, love uski bike jo अपनी वाइफ के लिए। और आई थिंक इतना डेडिकेशन, इतना पैशन, मैं बहुत मुश्किल होता है एक ऐसी चीज़ जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करना, मतलब बहुत डिफिकल्ट है ऐसे माइंडसेट में जाना किसी के। और फिजिकली भी बहुत डिफिकल्ट था और मेंटली तो बहुत डिफिकल्ट था। जब ये माउंटेन जहाँ पे वो है उन्हीं के गाँव में, जब हम लोग मेकअप करके उसके बीच में मैं खड़ा होता था उस माउंटेन के बीच में, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती थी, सिर्फ उस माउंटेन्स को देख लो और खुद ही मतलब बहुत सारी चीज़ें, बट उस माइंडसेट में जाना पड़ता था। वो बहुत डिफिकल्ट था मेंटली फिजिकली, बहुत डिफिकल्ट रूल था। इससे है किसी दूसरे से तो नहीं है कि भाई मैं अभी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं या लोग ये बोल रहे हैं, तो मेरा खुद से है कि मेरी लाइफ में मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके अंदर जो डिस्कवर करनी होती हैं थ्रू द कैरेक्टर। मैं लाइफ को डिस्कवर कर रहा हूँ, बस इतना कह सकता हूँ। मैं अगर कोई शेड्स नहीं आजकल तो, हालांकि कमर्शियल फिल्मों में उस तरह के कैरेक्टर्स लिखे जा रहे हैं हीरो के जिसमें लेयर्स होती हैं, बट अगर वो टिपिकल जो बहुत पहले होते थे, वो टिपिकल जो हीरो के कैरेक्टर होते थे या विलन के, अगर विलन है तो टोटल नेगेटिव है, उसमें कोई अच्छाई है ही नहीं। अगर हीरो है तो उसमें बहुत ही सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, अच्छे से हंसता भी है वो, तो वो सारी चीज़ें में मुझे कोई इंटरेस्ट है नहीं क्योंकि उसमें करने के लिए कुछ है नहीं कोई ख़ास। लेकिन अगर कैरेक्टर हीरो के कैरेक्टर में लेयर्स है या नेगेटिव रोल में लेयर्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो डेफिनेटली वो कोई भी एक्टर करने के लिए
कोई भी एक्टर करेगा उसको. मैं दो तीन बार देख चुका पिक्चरों में. यही वाली चलती है आपकी नॉर्मली. अजी जी, ये आपकी थर्ड एपिक है, तो ऐसा क्या है कि आप ऐसी फिल्मों के प्रति आपका एक अट्रैक्शन हो रहा है या वाईकॉम इसके पीछे जा रहा है? ये मुश्किल फिल्म है, लेकिन उसी में चैलेंज है और उस चैलेंज को हम बहुत एंजॉय करते हैं. क्योंकि देखिए, जब मैंने पहली ये फिल्म जब इसकी कहानी पढ़ी, पढ़ना अलग बात है, पर जब मैंने ये फिल्म देखी